नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनामिका गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। फैजाबाद में विजयदशमी पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने तथा दुर्गा प्रतिमाओं को शांतिपूर्वक विसर्जित कराने की मंशा से क्षेत्राधिकारी रुदौली अमर सिंह के नेतृत्व में थानाध्यक्ष मवई ऋकेश कुमार सिंह के साथ में पुलिस बल को लेकर मवई बाजार से रेच घाट तक रूट मार्च किया। वहीं CEO अमर सिंह ने विभिन्न गाँव में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं मार्ग और उनके विसर्जन स्थल के संबंध में जानकारी हासिल की। साथ ही मवई थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया कि वे दुर्गा प्रतिमा स्थल से विसर्जन हेतु जुलूस उठने से लेकर प्रतिमा विसर्जित होने तक सतत भ्रमणशील रहकर स्थिति पर सतर्क नजर रखें। वहीं CEO अमर सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्देशक पर दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ रूट मार्च किया। ग्वालियर में लगातार चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ग्वालियर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि 3 वाहन चोर आरोग्य धाम अस्पताल सिटी सेंटर के पास चोरी की मोटरसाइकिल बेचने आए हुए हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक द्वारा क्राइम ब्रांच की टीम को चोरों को पकड़ने के लिए भेजा गया, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम ने अभियुक्तों को धर दबोचा। वहीं चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने चोरी की वारदात को कबूल किया और उनके द्वारा 2 दर्जन से अधिक वाहन चोरी की घटना करना स्वीकार किया। सर, जो बाइक चोर गिरफ्तार किए, तो कितनी बाइक, कितने चोर हैं, क्या स्थिति? बाइक चोरों की घटनाओं को देखते हुए स्पेशल सेल बनाया गया है क्राइम ब्रांच में, तो लगातार बाइक चोरों पर नजर रखे हुए था। इसके पूर्व में भी 21 बाइक जब्त की गई थी पिछले हफ्ते, और आज भी 3 बाइक चोर पकड़े गए हैं, जिससे लगभग 14 गाड़ियां बरामद हुई हैं। एक बाइक चोर का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड काफ़ी लंबा है, 20 अपराध हैं उसके, बाकी लोगों के रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं। इनसे अभी और पूछताछ की जा रही है, साथियों के बारे में जानकारी ली जा रही है और एरिया आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं कि किस जगह से इनको बाइक चोरी में आसानी होती थी, जिससे पुलिस अपनी गश्त उस क्षेत्र में बढ़ा सके, वहाँ पर कैमरे इंस्टॉलेशन कराए जा सके। अभी इस पर और काम किया जा रहा है। तो इन्हें अभी तक कैसे बताया कि इनका तरीका क्या था? अभी इस विषय में पूछताछ की जा रही है किस तरीके से करते थे वारदात और साथी कौन। ग्वालियर पुलिस ने शहर पूर्व क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ग्वालियर शहर पूर्व के थाना साटीपुर मुरार गोले के मंदिर क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए SSP अमन सिंह राठौर के नेतृत्व में ग्वालियर पुलिस द्वारा ASF और BSF की कंपनियों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा थाना थाटीपुर मुरार गोले का मंदिर क्षेत्र में संवेदनशील मतदान केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां इस फ्लैग मार्च में BSF के असिस्टेंट कमांडर सहित 300 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। चुनाव को देखते हुए अभी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो एक कंपनी ग्वालियर जिले को डिप्लॉय की गई है, BSF की कंपनी है, उस कंपनी के साथ में आज ग्वालियर पूर्व विधानसभा में हमारा लोकल के जब सभी थाना प्रभारी DSP एडिशनल साहिबान फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन हो सके और उस क्षेत्रों में विश्वास भले के उपाय भी किए जा रहे हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी सस्ते गले के दुकानदारों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल मामला सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील की है, जहां गांव वाले गांव के कोटेदार की मनमानी से परेशान होकर कोटेदार पर आरोप लगाया है कि वो हर महीने राशन नहीं बांटता है और जब बांटता भी है तो यूनिटी के हिसाब से राशन नहीं देता है। ग्रामीणों के अनुसार 4 यूनिट वाले राशन कार्ड धारकों को 5 किलो ही चावल देता है, जबकि पहले इन्हीं राशन कार्ड धारकों को 20 किलो राशन मिलता था। वहीं ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि गांव का कोटेदार उनके हिस्से का राशन बाजार में बेच देता है। इसकी शिकायत करने के बाद भी इसके खिलाफ जिम्मेदारी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जांच में आने वाले अधिकारी कोटेदार के पक्ष के लोगों से ही बयान लेकर बिना कार्रवाई के ही वापस चले जाते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी इटवा का कहना है कि मामला संज्ञान में है, जांच की जा रही है, दोषी पाए जाने पर कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में हमारे पास अभी कोई लिखित शिकायत नहीं आई है, लेकिन चूंकि ये प्रकरण संज्ञान में आया है कि होरिलापुर में कोटेदार द्वारा कहीं कालाबाजारी की गई है, इसके संदर्भ में हमने सारे विलय को पूर्ति निरीक्षक से कहा है कि पहले प्राप्त करें कि कितना राशन आवंटन हुआ था और कितना वितरित किया गया है, और फिर इसके बाद जो वितरण सूची प्राप्त होगी उसका हम सत्यापन कराएंगे और फिर देखते हैं कि वास्तविकता क्या है और इससे जांच होकर के हम लोग इसमें निर्णय करेंगे। नहीं, आप ये जो बात बता रहे हैं वो तो जैसे ही सत्यापन होगा, क्योंकि हम पूरी सूची का जब कराएंगे और
पूरे जिसको जिसको प्राप्त हुआ है तो अपने आप ही सारे निष्कर्ष आ जाएंगे, किसी को कम यूनिट में मिला है, ज्यादा मिला है, ज्यादा रेट में मिला है, तो आ जाएगा जांच में सब आ जाएगा। क्या नाम है आपका, कहाँ रहने वाली है? अकलमती। ये बताओ कोटेदार से क्या परेशानी है तुम्हें? लाई देती हूँ 5 किलो मांगी लो जो 25 किलो 30 किलो आई बार कह मने ना हो तो रिकॉर्ड हो हमारे 6 पलवार हैं 5 पलवार ना है तो कई किलो गल्ला दे था 5 वो नहीं देती करे नाना का कहा था काथी नहीं बचाओ हम कौन चावल दे दो खाए काथी नहीं बार सब चली आए चावल नहीं दी 5 किलो 25 किलो मिला ला। ये बताइए कोटेदार से आपको क्या समस्या है? समस्या ये है कि 25 किलो मिला तो रहा 5 नाव पे 5 किलो देता है। कान नाम है कान वाली समस्या वाला क्या समस्या है? समस्या का क्या दिक्कत है कोटेदार से? 5 किलो दिया 3-4 महीने कितना मिलेगा आगे? पहले पहले 20 किलो मिला था अब 5 मिले। हाँ, फैजाबाद जिले में मूर्ति विसर्जन के महानवरात्रि पर्व का संपन्न हो गया। कई जगह बुराई पर अच्छाई का प्रतीक रावण दहन हुआ तो वहीं पवित्र सरयू में सैकड़ों माँ दुर्गा की प्रतिमाएं माँ की जयकारा और गाजे बाजे के साथ विसर्जित की गई। शहर के निर्मली कुंड सुहावल के रिच घाट पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी जहां प्रशासनिक व्यवस्था नाकाम साबित हुई। कहीं प्रकाश कम रहा तो कहीं मार्ग का खस्ता हाल मिला। वही रौनाही थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्चा विसर्जन की ट्राली से गिरकर दब गया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जहां विसर्जन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संगठनों ने अपने कैंप लगाए जिसमें प्रसाद वितरण को लेकर होड़ लगी रही। ग्वालियर पुलिस ने हथियारों के अंतर्राज्य तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस अधीक्षक ग्वालियर नवनीत भसीन को मुखबिर की सूचना मिली, एक हथियारों का अंतर्राज्य तस्कर खरगोन से अवैध हथियार लेकर भीड़ की ओर जा रहा है और ग्वालियर बस स्टैंड पर खड़ा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एसपी ने क्राइम ब्रांच टीम के साथ मिलकर हथियारों के तस्कर को धर दबोचा। वहीं तस्कर के पास से 10 पिस्टल सहित कई हथियार बरामद हुए। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि वह पिस्टल को विधानसभा चुनाव के समय यह आतंक फैलाने के उद्देश्य से हथियारों की सप्लाई करता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए HBN न्यूज के साथ। नमस्कार।